हेलो गाइस, वेलकम टू मैच प्रेडिक्शन फॉर टुडे चैनल। सबको स्वागत है इसी चैनल का। और ये जो चैनल है किस तरह की चैनल है सभी जानते हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर या फिर हमारे जो फ्रेंड्स है सब जानते हैं कि ये चैनल किस तरह की चैनल है। तो आज जो बात करना है कोई मैच की प्रेडिक्शन के लेके नहीं, आज बात करना है आप लोगों से वो है कि ये जो मैच खेलना है किस तरह से खेलना है, किस तरह से इस बैटिंग लाइन को समझना है या फिर किस तरह से इस बिजनेस को थोड़ा सा और आगे ले जाना है। तो कुछ रूल्स मैं बोलूंगा, तो वीडियो को शेष तक देखना क्योंकि कोई भी रूल्स किसी से कम नहीं है। तो ये जो रूल्स नंबर वन है हमारी वो है कि ये जो क्रिकेट है आप लोग अगर खेलना चाहते हो, पहले अगर बैटिंग करना चाहते हो, ये काम करना चाहते हो, तो आपकी जो नियत है उसको पहले ठीक करो। वो नियत अगर ठीक करोगे तभी आप लोग इस बैटिंग लाइन में आगे ले जाएगा आप लोगों को। दूसरी बात है वो है कि ये जो बैटिंग लाइन, ये जो क्रिकेट की जो बाजी धरता है, बहुत सारे लोग बैटिंग करता है इसको, बहुत लोग जो है वो अच्छा नहीं बोलता है, जुआ बोलता है इसको, जुआ बोलता है तो हम भी बोलता है ये काम अच्छा नहीं, ये काम बुरा है। लेकिन अगर ये सोचो कि ये काम बुरा है, हम तो किसी की घर में जाके चोरी नहीं करता है या फिर किसी की पैसा लूट के नहीं लेके आता है, वो भी बैटिंग करते हैं, हम भी बैटिंग करते हैं, दोनों पैसा को एक करते हैं और जो भी जीतता है वो ले जाती है, तो इसको जुआ ही बोलता है। लेकिन अगर इसको जुआ समझ के खेलोगे तो कभी भी आप लोग प्रॉफिट में नहीं आओगे, आप लोग हमेशा लॉस में ही रहोगे। तो इसको पहले आप लोग को एक बैटिंग लाइन जो है वो इसको बिजनेस समझ लो यार, बिजनेस समझ के चलना, बिजनेस समझ के खेलना, तभी आप लोग एक प्रॉफिट में रहोगे। और सोचो कि आप एक दो लोग नहीं, बहुत सारी इंटरनेशनल भी बन चुका है, इंटरनेशनल में भी ये लाइसेंस दे चुका है कि ये जो बैटिंग लाइन है ब्रो अप्रूव है, और बहुत सारी वेबसाइट भी है इंटरनेट ऑनलाइन पर भी आप लोग बैटिंग कर सकती हो, ये पैसा कमा सकती हो, घर बैठ के पैसा कमा सकती हो। जो जिसको काम करना पसंद नहीं है इसके लिए तो बहुत ही एक लाजवाब बिजनेस है ये, तो इसको एक बिजनेस समझ के खेलना है, कोई भी जुआ या फिर बुरा काम समझ के खेलना बहुत ही गलती होगा उसके लिए, क्योंकि वो हमेशा लॉस में ही रहेगा। तीसरी बात है वो है कि हार मैच खेलना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है हार मैच छोड़ देना, यानी कि हार मैच की मतलब वो है कि 30 दिन में अगर 40 की मैच होता, 40 या फिर 50 मैच होता है 30 दिन में, अगर सोचो कि कोई भी टफ मैच होता है, कि सोचो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की मैच है, इंडिया ने एक जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने एक जीता है, तो लास्ट मैच कौन जीतेगा यार, ये सब जो मैच होता है वो सब मैच छोड़ दो। जिस मैच आप लोगों को लगता है कि इस मैच में हम लोग इंडिया ले गए लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, या फिर आपके मन में अगर घोट होता है वो मैच को लेकर, तो वो सब मैच छोड़ दो, वो सब मैच मत खेलो। सब मैच खेलना जरूरी नहीं है, कुछ कुछ मैच छोड़ देना बहुत ही अच्छी काम है, और वही लोग बिजनेस में प्रॉफिट करती है ये जो सोच के खेलता है। तीसरी बात ये है कि किसी की बात पर ध्यान मत दो, ये ध्यान मत यानी कि किसी की बात पर मत खेलो कि वो टीम जीतेगा ये टीम हारेगा, ये सब करके मत खेलो, क्योंकि आपकी दिल और आपकी सोच जो बोलेगा हाँ सोच सुनना है, किसी और की बात भी सुनना है। अगर अच्छा ट्रिपर होता है या फिर अच्छा चैनल होता है जो ट्रिपर आप लोगों को फ्री में देता है या फिर पैसा लेके भी देता है, अगर ट्रिपर अच्छा है तो उसकी बात सुनो, नहीं तो आपकी जो सोच है, आपकी जो मन है उसको सुन के खेलो, जरूर प्रॉफिट कर पाओगे। और चौथी बात वो है कि ये जो बैटिंग लाइन है, ये जो T20 होता है, ये जो T20 जो वर्ल्ड कप नहीं, वर्ल्ड कप को छोड़ के या डोमेस्टिक जो होता है बहुत सारे कंट्री पर होता है, जैसे कि IPL, जैसे कि BPL, जैसे कि यार CPL अभी जो चल रही है, CPL, KPL, TNPL, ये सब जो मैच होता है वो सब कुछ मैच होता है फिक्सिंग होता है, वो सब मैच होता है क्या कि हारने वाला टीम जीत जाता है, जीतने वाला टीम हार जाती है, तो ये सब जो मैच होता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि ये सब मैच में फिक्सिंग होता है, लेकिन इंटरनेशनल मैच में कोई भी आदमी अगर बोलता है कि ये मैच जो 100% गारंटी फिक्सिंग है, ये मैच जीतेगा, वो आदमी के सब कभी मत जाना यार, कभी मत जाना, क्योंकि इंटरनेशनल जो मैच होता है वो सब मैच कभी भी फिक्सिंग नहीं होता है, वो रियल होता है, हारता है या फिर जीता है, वो सब मैच रियल होता है। तो ये जो ट्रिपर बोलेगा कि ये फिक्सिंग है इंटरनेशनल मैच, उसके बाद मत सुनो। हाँ, इंटरनेशनल की प्लेयर भी बिकता है, एक दो प्लेयर खराब खेलता है या फिर वो इधर उधर हो जाती है, लेकिन सभी प्लेयर या फिर जो पूरा टीम है, पूरा टीम यूनिट है, वो टीम नहीं बिकता है, तो इस बात को ध्यान में रखना है और समझ के खेलना है। और चौथी बात जो परवर्ती बात है वो है कि ये जो T20 लीग होती है, जो IPL होती है या फिर जो भी लीग होता है T20 में, हमेशा एक अच्छा
अच्छी टीम के साथ रहना है। सोचो कि चेन्नई और बेंगलोर के साथ या फिर चेन्नई और राजस्थान के साथ मैच होने वाला है, तो हमेशा चेन्नई के साथ ही रहना अच्छा होता है, क्योंकि T20 लीग में क्या होता है कि जो भी टीम के पास अच्छे अच्छे प्लेयर होता है वो टीम ही ज़्यादातर जीतता है और फाइनल तक भी जाता है। और ये जो इंटरनेशनल की जो T20 होता है ना, ये सब मैच में हमेशा अच्छा टीम के साथ ही जाना जरूरी है। और हमेशा सोच लेना कि प्रीवियस जो 2-3 मैच जो खेलता है, ये जो प्लेयर जो खेलता है, टीम जो खेलता है, वो 2-3 मैच की एनालिसिस कर लेना कि कौन सा प्लेयर अच्छा खेल रही है, कौन सा प्लेयर बुरा खेल रही है। क्योंकि जो एनालिसिस आप लोग करोगे उससे अच्छा एनालिसिस कोई और नहीं करेगा, क्योंकि आप करोगे आपकी बिजनेस के लिए, लेकिन और करेगा कोई और करेगा आपकी बिजनेस के लिए। तो अगर सोचो कि खुद की बिजनेस और अदर्स की बिजनेस के लिए सोचना, आपकी ज्ञान देना कितना जरूरी है, तो नीचे खुद की सोचना और खुद की एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। तो ये था आज की जो बैटिंग रूल्स और आपकी एक लाइफ चेंजिंग आपके लिए मैसेज। तो ये मैसेज जो है, मैसेज आप लोगों के पास ही मत रखना, ये मैसेज शेयर कर देना, यानी कि वीडियो को जो है वो शेयर कर देना, दूसरी भाई को भी जानने का मौका कर देना। और अगर हमारी चैनल किस तरह की चैनल है और अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हो या फिर आपकी कितना प्रॉफिट होता है इस चैनल से, अगर लॉस भी होता है तो मुझे कमेंट कर देना, नीचे कमेंट कर देना। और अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप लोग अभी भी हमारे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमारे साथ रहने के लिए इसी तरह की कोई चीज़ या फिर रूल्स जाने के लिए वीडियो की जो बेल आइकॉन है, यानी कि जो आप लोगों के पास हम लोग कोई भी वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले पहुँच जाएगी, यानी कि नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस करके रखना है। तो चलते हैं आज के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले कोई इन्फॉर्मेशन लेके, और भी अच्छा इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा मैं। रुको, अगर अभी तक हमारे साथ है तो हमने अब तक जो रूल्स बताया इस रूल्स को नोटबुक पर नोट कर लेना, क्योंकि ये जो रूल्स है ये इसको अगर समझ के खेलना है आप लोगों को, इसी को समझ को खेलो तो कभी भी आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो पैसा है वो नहीं गवाओगे, हमेशा प्रॉफिट ही रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि ये जो चैनल है वो हमेशा हमारी फ्रेंड्स की प्रॉफिट हो, हम लोग यही चाहता है, कभी भी लॉस होता है ये हम नहीं चाहते हैं।